केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो आईओ हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज़ के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। भले ही योगी सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन योगी जी के राज में प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही हैं। ताज़ा मामला अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र का है, जहां एक महिला एसपीओ ने क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला एसपीओ ने बताया कि उसकी बेटी के दहेज उत्पीड़न का केस 2018 से सासनी गेट थाने में दर्ज है। इस केस की विवेचना क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर राकेश यादव कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि 29 अक्टूबर को इंस्पेक्टर ने उसे कागज दिखाने के बहाने रामघाट रोड के एक होटल में बुलाया था, जहां इंस्पेक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकी भी दी। केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो आईओ हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। मैंने कहा कि सर मैं होटल पे क्यों आऊँ, आप ऑफिस में बुला लो मुझे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं नहीं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ और आप होटल पे ही आ जाओ, मैं आपकी बेटी के सब कागज़ देख लूँगा। मैं वहाँ पे चली गई, मैंने बाहर से खड़े होकर कॉल भी करी उनको, मैं कि सर मैं विकास होटल पे खड़ी हूँ सामने। तो वो बोले कि मैं ठीक है, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ। वो नीचे उतर के आए तो फिर मेरे को अंदर ले गए, अपने कमरे पे ले गए, 102 नंबर कमरा उनका। सो वहाँ अंदर बैठाया, मेरे कागज लिए। कागज लेने के बाद में पहले तो थोड़े से कागज दे के हल्के फुल्के, फिर उसी के बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। मैंने कहा सारा आपने ऐसे क्यों करा, तो बोले कि आप चिंता मत करिए, आपकी आई केस में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इसे लड़के को जरूर गिरफ्तार करूंगा। फिर मैंने कहा कि सर आपने मेरे साथ बहुत गलत करा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बोले कि कोई मजबूरी नहीं, और बाहर जाके मत कहना, और बाहर जाके कहा तो मैं आपके केस की सबको निकाल सकता हूँ। वहीं पूरे मामले पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। एक महिला द्वारा यह थाना कुआरसी में मुकदमा लिखाया गया है, जो निरीक्षक क्राइम ब्रांच के विरुद्ध उसका आरोप यह था कि ये एक दहेज संबंधी ससुराल जनों के खिलाफ जो उसने मुकदमा लिखाया था उसमें विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि बलात्कार इन्होंने उनका किया तथा उनके साथ अश्लील बातें की। इसके संबंध में एक मुकदमा थाना कुआरसी में लिखाया गया है, और जो तथ्य है और जो भी गुण दोष है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही है। अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।